अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इनको? तो ठीक हो? तो भी ऐसे ठीक है। अच्छा यार, आज 4 दिन बाद मेरे को जराम थे आते बुखार था। मैं कहा चलो आज दा व्लॉग चलो अपलोड कर के नूँ। ते आज मैं वैसे जुम्मा भी है, ये जुम्मा शरीफ, ते जुम्मे वाले दिहार हुए तो आपको पता है बंदा गुसल करे उंदा सवाब, चिट्टे कपड़े पाते वने जुम्मा नमाज पढ़न उंदा सवाब, ते खुशबू लाते वने उंदा सवाब, ते आहिस्ता आहिस्ता टोरते वने उंदा सवाब। वाल इन तू इलावा बे भी ढेर सारे सवाब हैं। अगर मस्जिद के दरमियान कुछ फासला है तुहारे घर का मस्जिद का, ते आहिस्ता आहिस्ता बंदा टोरते वने ते दरूद पाक पढ़ता वने उंदा सवाब आंजे। ते जुम्मा मुबारक दे दी कोशिश की करो कि साफ सुथरा थी ते गया मस्जिद ते खुशबू शुशबू ला ते गया। इं सगुआ जुम्मा शरीफ है, मैं चलो धूं धूं जा ते साफ सुथरे दी ते वाल जुम्मा ही परसों। ते ऊं तो बाद प्रोग्राम बने खड़े से जो बेली बंजने रुलाने को समान गिनना, ट्राईपोर्ट भी माइक भी ते कुछ एक दूजी सा बिया भी हैं वह भी गिनने। ते वाला ऊं तो बाद दे दूं क्या सिचुएशन है। ते बुखार दा हुण मेरे को आराम है कई दिन दे बाद कुछ होना वाला दिया वादा। ते 3-4 दिन मेरे को 65 बुखार थजूं होश का ना ही कहा था, वीडियो बनावा था ना वीडियो अपलोडिंग दा कशा था भाई। ते हुण माशाल्लाह तबीयत मेरी को ठीक है। ते तुसा भी कोशिश की करो मियाँ जुम्मे वाली मार धां धूं ते साफ सुथरा थी ते मस्जिद गया। ते मौली दे वंजण गिने पहले गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाब थी ने। ते सारा पाकिस्तान जरा जे तक मौली खुतबे तो ना उठे वो तक इंतजार बैठे रहने, आखिरी 3-4 मिनट रहने पे उन्हें वालसा पीटा वन जवान ना ई ना किता करो।